जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में गौवंश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पुलिस को सूचना देकर गौवंश को दबाया गया। मौके पर पहुंची डॉक्टरों की टीम ने गौवंश की पुष्टि की। वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण और पुलिस के प्रति रोष दिखाई दे रहा था। क्या नाम है आपका? मैं अमित चौधरी, जिला अध्यक्ष गोरक्षा समिति जनपद हापुड़। हमारे यहाँ पर कुछ रोड चोपड़ा चौकी पर थाना बाबूगढ़ गौ कसी का मामला कल हुआ है। आज हमें जैसे ही पता लगा, हम पूरी टीम के साथ यहाँ आए, पुलिस को सूचना करी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि यहाँ गश्त बढ़ाई जाए। कुछ संदिग्ध लोग हैं जो पिछले कुछ समय से गोकसी यहाँ करते आ रहे हैं। क्या बताया जा रहा है कि कल रात से सूचना मिलने की संभावना थी कि ऐसा हुआ है? नहीं, सुबह सूचना मिली है हमें। पशु चिकित्सा अधिकारी श्यामपुर जा। तो बताना चाहेंगे क्या मामला पूरा है? ये गोकसी की घटना हुई है। दो गायों को यहाँ पे काटा गया है तो उनके सिर के अवशेष मिले और खाल, जिससे स्पष्ट होता है कि गोकसी की घटना है। उसके लिए बाकी हमने सैंपल भी लिए हैं, सैंपल भिजवाएंगे। जो गौ मीट पड़ा हुआ है, ये मीट नहीं है, ये तो उनके आंत और पेट वेट के हिस्से हैं। मीट तो ले गए होंगे। ये जो सामने पेट और आंत के हिस्से हैं जो निकाल कर फेंक देते हैं, तो उसके लिए खाल का बाकी सैंपल लेंगे। इनसे तो पता लगेगा नहीं, तो उसके सैंपल लेके हम भिजवाएंगे, मथुरा जाएंगे लैब में।